एसएसपी के निर्देश पर खुराबाड़ थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खुराबाड़ थाने की पुलिस ने अशफाक अहमद पुत्र असागर अली निवासी नकहा नंबर 2 घोशीपुरवा थाना चिलवा ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा तनवीर खान पुत्र वशीउल्लाह खान निवासी हुमायूंपुर उत्तरी शहीदाबाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, तीसरा शमशेर आलम उर्फ गोपी पुत्र शमीर अहमद निवासी चकसा हुसैन मिर्जापुर पचपिड़वा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, चौथा विवेक मदेशिया पुत्र अशोक कुमार निवासी मकान नंबर 101 सोनौली रोड थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के संपत्ति को कुर्क किया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों के पास से 5 मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट डिजायर कार जिनकी कुल कीमत 3,25,000 है जब्त किया गया है। सभी वाहनों को खोराबाड़ थाने पर लाकर दाखिल कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के अनुसार आज थाना खोराबाड़ पुलिस ने एक 14(1) की गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की है, जिसमें 3,25,000 रुपए के आसपास के मूल्य की 6 गाड़ियां, जिसमें से एक स्विफ्ट वीडीआई एवं 5 टू व्हीलर को जब्त किया गया है। यह मुकदमा कैंट थाना पर पंजीकृत हुआ था 147/2021, जो कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस, जिसमें रिवॉल्वर पिस्टल एवं डबल बैरल इसके फर्जी लाइसेंस बनाए गए थे 2019 में। 2021 में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ था एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई आज की गई है एवं अन्य भी प्रॉपर्टी इन अपराधियों की खंगाली जा रही है एवं आगे भी इस तरह की जब्ती की कार्रवाई इस मुकदमे में की जाएगी।